हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा विद्या बालन की आने वाली फिल्म कहानी 2 के बारे में। जी हाँ, काफी ज्यादा समय से हमें इंतजार था कहानी 2 फिल्म के ट्रेलर का। कुछ दिन पहले ही सबसे पहला पोस्टर आया था, जो पोस्टर भी बड़ा अनोखा था। मैंने उसके बारे में आपको डिटेल भी दी थी। पोस्टर पे लिखा था मिसिंग दुर्गा रानी सिंह। जी हाँ, दुर्गा रानी सिंह का रोल प्ले कर रही, जो मिसिंग बताई जा रही है फिल्म में। और कहीं ना कहीं वो भगौड़ी बोलते ना, या तड़ीपाल जिसे कहते हैं, उस तरह का उनके ऊपर इल्जाम है। साथ ही किडनैप और मर्डर का भी इल्जाम है। तो दुर्गा रानी सिंह का रोल निभा रही है विद्या बालन इस बार फिर। और पिछली फिल्म, जो पहली फिल्म थी कहानी, उसमें विद्या बागची का रोल निभा रही थी। अब आप सोचते होंगे ये पहली फिल्म का सीक्वल है, तो आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों फिल्म बहुत ही अलग है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मतलब ट्रेलर का जब रिलीज हो रही थी, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब विद्या बालन से पूछा गया इस फिल्म के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पहली फिल्म में ये फिल्म बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। वो एक अलग स्टोरी थी, ये अलग स्टोरी है। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। जैसे कि पहली स्टोरी थी वो सस्पेंस थी, ये भी सस्पेंस और थ्रिलर है, लेकिन इसकी एक जो पूरी की पूरी कहानी है बिल्कुल अलग है। और दुर्गा रानी सिंह की छोटी सी बेटी होती है मिली, ये 2 मिनट 34 सेकंड्स के ट्रेलर में आपको वो हर चीज देखने को मिलेगी जो हम फिल्म से उम्मीद कर सकते हैं। और ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो ये लग रहा है जरूर कि ये फिल्म बहुत ही बढ़िया चलेगी। अब आपको बता देता हूँ ट्रेलर में क्या क्या मुझे अनोखा लगा। ट्रेलर के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं एक फोन आता है विद्या बालन को कि आप इस वक्त इतने टाइम तक पहुंचेगी नहीं तो आपकी बेटी आपको नहीं मिलेगी, या तो मर जाएगी। बेटी का नाम रहता है मिली। तो विद्या बालन भागती है सड़क पर और तुरंत ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाड़ी से। उसके बाद वो कोमा में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस रिपोर्ट होती है, यानी कि जब डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं अर्जुन रामपाल। तो अर्जुन रामपाल इस केस की पड़ताल करते घर तक पहुंच जाते हैं विद्या बालन के, यानी कि दुर्गा रानी सिंह के। तो पता चलता है कि उसकी जो बच्ची है वो भी मिसिंग है। और थोड़ी और जांच पड़ताल जब करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन रामपाल, तो घर में डायरी मिलती है, पासपोर्ट मिलता है। बाद में पता चलता है पासपोर्ट फेक है और साथ ही साथ डायरी में बहुत सारी कहानी लिखी है। तो धीरे धीरे अर्जुन रामपाल इस केस में अपने आप उलझ जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं आखिर विद्या बालन आखिर है क्या, यानी कि दुर्गा रानी सिंह आखिर है क्या, और क्या एक इसके इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है ये किस तरह का इल्ज़ाम है, क्योंकि 8 साल पहले इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लगाया था, ऐसे दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं। तो उसके बाद घुमा फिरा के ये स्टोरी काफ़ी ट्विस्टेड लग रही, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं एक ज़रूर है इसमें, माँ और बेटी का रिलेशन, मतलब एक बॉन्डिंग दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा प्यार करती है मतलब विद्या बालन अपनी बेटी से, और कहीं ना कहीं इन फैमिली के साथ काफ़ी कुछ गलत होता है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है विद्या बालन, यानी कि जो एक्ट्रेस है इस फिल्म में वो। तो ये कुछ एक अलग सा मुझे एक लगा है ओवरऑल ट्रेलर। और दुर्गा रानी सिंह के रोल में बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे आप विद्या बालन को। बहुत ही एक इंटेंस उनका अलग ही मेकअप किया गया, अलग ही लुक है। और ये फिल्म का जो सेट हुई है ये कोलकाता में ही सेट की गई, जो पहली फिल्म भी थी वो भी कोलकाता में प्रॉपरली शूट हुई थी और बहुत अच्छी तरह से शूट की गई थी। और पहली फिल्म भी जो डायरेक्ट किए थे वो सुजय घोष ने डायरेक्ट की थी पहली फिल्म, ये फिल्म भी सुजय घोष ही डायरेक्ट करे, तो उनके डायरेक्शन की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। उन्होंने जब पहली फिल्म डायरेक्ट की थी कहानी, तो उसके लिए विद्या बालन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो आई होप इस बार भी उनकी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस ही हो और फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिले। तो ओवरऑल ये फिल्म का जो ट्रेलर है मुझे पसंद आया है। अब देखते किस तरह से इसके आने वाले, आई होप शायद गाने तो शायद नहीं होंगे, कुछ एक थीम सॉन्ग होगा रिलीज होगा, जिस तरह से मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये फिल्म रिलीज होने वाले दिसंबर 2 को, यानी करीबन करीबन 1.5 महीने से कम का वक्त अभी इस फिल्म को बाकी है। तो आई होप किस तरह से ये आने वाले जो प्रमोशंस होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे एक जो चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि इसका जो प्रमोशन एक अलग ढंग से किया जाए, क्योंकि इसका जो पहला जो पोस्टर था उसमें मिसिंग गर्ल का एक पोस्टर बनाया, एक अलग ही पोस्टर बनाया था। उसके बाद एक टीजर जब रिलीज हुआ था तो वो भी एक अलग तरह से बनाया गया था। तो इसका जो प्रमोशन होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और देखते हैं किस तरह से ये फिल्म आगे चलती है। आपको कैसा लगा ट्रेलर आप जरूर बताइए मुझे, और आपने अगर नहीं देखा है तो मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसका ट्रेलर देख सकते हैं। चलिए कुछ और बॉलीवुड खबरें बैठे तो आपको जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।